हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त दिनेश सैनी लेके आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी पोइम, सो मैनी ऑक्स बाय सुजाता भट्ट। तो दोस्तों, ये जो पोइट्री है सो मैनी ऑक्स, ये जो है ये पोइट्री सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही अच्छी जो है वो पोइटेस है। और वो कहना क्या चाहते हैं इस पोइट्री में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो है इस पोइट्री में कहना चाहते हैं कि दोस्तों, किस तरीके से इंसान जो है वो अपनी जो सोसाइटी है उसमें रहता है, किस तरीके से वो अडेप्टेशन करता है, वो ये बात जो है इस पोइट्री में कहना चाहते हैं। और उन्होंने किस तरीके से अडेप्टेशन किया है वो ये बात इस पोइट्री के माध्यम से बताना चाहते हैं। वो आउटर और इनर कन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो है दोस्तों अपन को बताना चाहते हैं कि अपन बाहर से कुछ और दिखते हैं लेकिन अंदर से अपन कुछ और होते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ जो है दोस्तों इस पोइट्री में बताई गई है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी पोइट्री। इन दिस फॉरेस्ट वी स्टैंड इन दिस फॉरेस्ट वी स्टैंड अमोंग एंशियंट ट्रीज, कि ये जो फॉरेस्ट है, इन दिस फॉरेस्ट वी स्टैंड, कि इस फॉरेस्ट में, इस घने जंगल में वी स्टैंड, हम खड़े हैं। अमोंग एंशियंट ट्रीज, हम जो पुराने पेड़ है, एंशियंट का मतलब होता है दोस्तों पुराने, कि हम पुराने पेड़ों के बीच में खड़े हैं। सो मैनी ऑक्स, और वहाँ पर ओक जो है ये एक ट्री का नाम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ओक को सिंबलाइज किया गया है ट्रेडिशन से और कल्चर से, कि हम कल्चर के, कि हम लोग जो है वो कल्चर में खड़े हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा एंशियंट है। होली, इसे पवित्र बताया गया है। हमारा जो भी कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो कस्टम्स है, इनको क्या बताया गया है दोस्तों, पवित्र बताया गया है। एन इविल विच वुड किल देम, कि जो भी इनको क्या करता है दोस्तों, इनके खिलाफ बोलता है या फिर इनको हटाना चाहता है। बहुत सारी ट्रेडिशंस हो सकती है, अच्छी हो अच्छी नहीं हो, लेकिन जो भी इनको हटाना चाहता है तो लोगों के लिए वो क्या होते हैं दोस्तों, वो इविल होते हैं, बुराई होती है, उनको बुराई की संज्ञा दी गई है कि हमारे जो कल्चर है अगर आप इसको हटाना चाहोगे। कहने का मतलब भाई, इस ये जो ओक का जो ट्री है, अगर आप इसे काटोगे तो आप क्या कहलाओगे, इविल कहलाओगे। तो ओक जो है वो यहाँ पर किसको सिंबलाइज कर रहा है दोस्तों, वो सिंबलाइज कर रहा है ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को। ये पहली दो लाइनें थी। नेक्स्ट दो लाइनें देखते हैं दोस्तों। द विंडोज ऑफ दैट हाउस आर सो ब्राइट, कि यहाँ पे जो घर है उसकी जो विंडोज है उनकी खिड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ब्राइट मतलब सुंदर खिड़कियाँ हैं। सो क्लीन, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। हु लिव्स देयर, यहाँ पे कौन रहता है। हियर जो पोइटेस है वो क्वेश्चन पूछती है, हु लिव्स देयर, वहाँ पे कौन रहता है। ए वुमन हु लॉस्ट 5 सन्स इन द वॉर, वहाँ पर एक महिला रहती है जो, जिसने अपने 5 बच्चों को युद्ध में गंवा दिया। देखो इसमें कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है ना, कि एक तरफ तो ये जो सुजाता भट्ट है वो कह रहे हैं कि इस घर की विंडोज़ कितनी ब्राइट है, लेकिन यहाँ पे रहता कौन है, एक ऐसी महिला जिसने अपने 5 बच्चों को खो दिया है। ठीक है, तो इन्होंने बाहरी सुंदरता दिखाकर अंदर का जो कन्फ्लिक्ट है, हमारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसको दिखाया गया है। ठीक है, जिस माँ के 5 बच्चे अगर चले जाएं तो वो घर ब्राइट कैसे हो सकता है। समझ में आए दोस्तों, आगे चलते हैं। बर्ड्स ऑफ फीदर्स बट मैमल्स हैव नन, अब देखो कि जो बर्ड्स होते हैं ना उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं, बट मैमल्स हैव नन, लेकिन इंसानों के, और जो नहीं उड़ सकते उनके पंख नहीं होते। अ पिटी बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू फ्लाई, सुजाता भट्ट कहती है कि मैं भी बर्ड्स के जैसे उड़ना चाहती हूँ। बर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, वो फ्री होते हैं, वो जहाँ चाहें वहाँ पर उड़ सकते हैं, लेकिन इंसान क्या है, इंसान धरती से, कल्चर से, सोसाइटी से बंधा हुआ है। लेकिन जो सुजाता भट्ट है दोस्तों वो क्या कह रही है, आई वुड रियली लाइक टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट दो लाइन देखते हैं। ह्यूमन्स बींग हैव आइज एंड ईयर्स, कि जो ह्यूमन है ना उनके क्या होती है, आंखें होती हैं, कान होते हैं, आंखों से वो देख पाते हैं, कानों से वो सुन पाते हैं, बट सम आर बोर्न ब्लाइंड एंड डीव, लेकिन कुछ जो है वो अंधे और बहरे पैदा होते हैं। देखो दोस्तों, हर एक लाइन में कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ तो सुजाता भट्ट उन लोगों की बात कर रही है जिनके आइज है, जिनके ईयर्स है, जो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और एक तरफ वो बात कर रही है उन लोगों की जो अंधे हैं और बहरे हैं। देखते हैं नेक्स्ट लाइन।
द फ्लावर ऑफ प्लम ट्री कैन बी रेड और वाइट, कि जो प्लम ट्री होता है, जो ये जो ट्री का नाम है दोस्तों, ये प्लम ट्री जो होता है ना, उसके जो फूल होते हैं वो रेड भी होते हैं और वाइट भी होते हैं, है ना। कि पोइटेज क्या कहना चाह रही है, द फ्लावर ऑफ ए प्लम ट्री कैन बी रेड और वाइट, कि इसके जो फूल हैं वो लाल भी हो सकते हैं और सफ़ेद भी हो सकते हैं। आई हैव वन ऑफ ईच इन माई गार्डन, कि मेरे गार्डन में ये दोनों हैं, मेरे पास वाइट फ्लावर वाला भी ट्री है और मेरे पास रेड फ्लावर वाला भी ट्री है। माई हेट इज़ ब्राउन, माई ग्लव्स आर ब्राउन, कि मेरी जो हेट है वो ब्राउन है और मेरे जो ग्लव्स है वो भी ब्राउन है। ए प्रैक्टिकल कलर, और जो दोस्तों जो ब्राउन कलर इन्होंने चूज क्यों किया है, क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी है बुराई भी है, दुनिया में सुख भी है दुख भी है, लेकिन जो सुजाता भट्ट है इन्होंने ये प्रैक्टिकल कलर चूज़ किया ब्राउन, क्योंकि ये अडेप्टेशन बता रही है कि हमें किस तरीके से, हम बहुत सारा इनर कन्फ्लिक्ट होता है अपने अंदर, अपन बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपन सोसाइटी से बंधे हुए रहते हैं, अपन ट्रेडिशन से बंधे हुए रहते हैं, तो अपन को लास्ट में अपन ने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, अडेप्टेशन इज मस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी पोइट्री थी दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोइट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप किसी पोइट्री की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।